हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके बीच आपके टॉपिक का अगला सेगमेंट लेके। अभी तक हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बहुत सारी बातें जान ली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूल इतने ही हैं, हम इनकी मदद से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब होता ये है कि कई बार मूक टेस्ट में या एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमने क्लासरूम में या प्रैक्टिस में नहीं लगाए, तो मैं लगता है कि क्वेश्चन चेंज हो गया रूल, तो वो क्वेश्चन भी इन्हीं रूलों से लगेगा। बस हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। बच्चे पढ़ते खूब हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस ही आपकी सफलता की एकमात्र कुंजी। आप सब रूल जान लो, आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप जाके कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप उसका सोल्यूशन देख सकें, तो वो रूल हो गए आपके। अब समस्या है किसकी? क्वेश्चनों की। तो खूब प्रैक्टिस सेट लगाइए, बुक्स लगाइए, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो बेसिक के बाद जो दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होगा आपका, वो चैप्टर बाई चैप्टर प्रैक्टिस का होगा। फिर जो तीसरा सेगमेंट स्टार्ट होगा वो मिक्स प्रैक्टिस का होगा, एक क्वेश्चन किसी चैप्टर का, एक क्वेश्चन किसी चैप्टर का। अभी अपन पढ़ रहे हैं रूल्स, कि अगर हमें नंबर सिस्टम को जानना है, नंबर सिस्टम को की प्रैक्टिस सीट लगानी है, नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, तो किन किन रूलों को हमारे सामने होना चाहिए। अगर आप कभी प्रैक्टिस सीट लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप इन रूलों को पास में रख लो और क्वेश्चनों को दो, जहाँ लगे कि यार हमें ये किस जैसा है रूल देखो। शुरुआत में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आज के नए रूल स्टार्ट करने से पहले एक आध क्वेश्चन जो पुराना आपको हो जाए कि आपसे हो रहा है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है 25 की पावर 13, नहीं ये तो करा दिया सारे। ये है आपका 16 की पावर 81 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो? ये है क्वेश्चन। तो अब आप लगा चुके हैं, मुझे पता है, और शायद आपसे बनेगा भी। जल्दी से इस वीडियो को यहीं पर रोक दो, पहले क्वेश्चन लगाओ फिर देखो। बहुत सारे बच्चे, अभी पता है आपकी वैकेंसियाँ नहीं हैं, तो लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ते नहीं। देखिए, वैकेंसी अगर आपने सोच लिया है कि सरकारी नौकरी करना है, तो सरकारी नौकरी पाने का रास्ता यहीं से होके जाएगा, इन्हीं सब रूलों से होके जाएगा। आप मुझसे पढ़ो या किसी से ही पढ़ो, आपको पढ़ के ही नौकरी मिलने वाली नहीं है, ठीक है? और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई से दूर होते हैं तो पढ़ाई एक प्रोग्राम के एपिसोड जैसा होती है, कि अगर आपने दो चार एपिसोड मिस कर दिए तो फिर उसकी स्टोरी आपको लगेगी अरे देख लेंगे कुछ नहीं, या आप इकट्ठा देख दिया, लेकिन आप पढ़ रहे उतना उतना पढ़ रहे उतना स्टोरी ज़रूरी, तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है ना? देखें इंटरेस्ट बढ़ाने के कि क्या क्या रूल थे। द्विपद प्रमेय हैं अपने पास, आपका फॉर्मेट थ्योरम आपके पास है, आपके पास यूलर थ्योरम आपके पास है, आज फैक्टोरियल की समस्या भी आपके पास हो जाए। तो द्विपद प्रमेय क्या थी? कि अगर पद बड़ा हो, नीचे से मान ऊपर का बड़ा हो, तो शेषफल निकाल लेते, शेषफल से हल करते। और अगर घात बड़ी हो, घात खूब बड़ी, तो किसका यूज करते थे? फॉर्मेट का। लेकिन ये क्या होना चाहिए? ये प्राइम नंबर होना चाहिए फॉर्मेट। तो अब हमें मान के चलते हैं कि अपन से बनता, तो हमने मान लो पहले इसको लगाया बेसिक से, द्विपद प्रमेय से, तो 5 का भाग लगा दें सीधे 16 में। बोला अरे किससे लगा रहे? वही a प्लस एक्स टू दी पावर n को अगर ए से भाग करें तो इसका रिमाइंडर डिसाइड करता है कौन? एक्स टू दी पावर एन, है ना? तो
पाँच से भाग किया हमने तो 5 15 बचा 1, यानी 1 की पावर क्या आ जाएगी 81, और 1 पे पावर क्या है 81 की, यानी रिमाइंडर कितना 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। आपने ऐसे लगा दिया, आपको लगा कि हमें ऐसे नहीं इसको ऐसे लगा दिया किसी ने, बोले इसको लिख दिया हम 4 की पावर 2 पावर 81/5, वैसे लगाना। तो ये हो गया, ये 2 वहाँ जाएगा 4 1 4 4 8 32/5। बोले अब इसको लिख सकते 5 -1/5, तो -1 की पावर बचेगा 324, 5 से 5 तो कट जाएगा, यही रूल। तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर कैसी सम है आपकी इवन है तो बन, 5 से भाग करो बनी रहेगी। तोड़ते बनने लगा, किसी ने कहा नहीं सर हमें तो इसको ऐसे लगाना है, आपने बताया था कि 16 की पावर 81 है और 5 5 प्राइम नंबर से भाग दिया जाए तो उससे 1 कम करके भाग दे देते, और अगर 1 कमी धार लगी हुई तो रिमाइंडर 1 बचता है, कैसे भाई पी एन टू दी पावर पी माइनस 1/p हो तो रिमाइंडर कितना बचता है 1 बचता है, याद है ना दूसरा नियम। तो आपने कहा कि हमने देखा कि यहाँ पे बचेगा 4 से भाग करेंगे, यहाँ पे 4 से भाग करेंगे क्योंकि p माइनस 1 की पावर ढूंढना है अपन को, तो p हो गया अगर 5 तो p माइनस 1 कितना हो गया 4, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 4 से भाग करेंगे तो 80 लिखा है चला जाएगा 80 में, ये बचा रहेगा 16 की पावर 1/5। और हम जानते हैं कि 5 में अगर का भाग 16 में दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है। अब आपके पास कई तरीके हैं, यही उसने यहाँ पे ऐसा लग दिया लो और 81, तो आपने ऐसे तोड़ दिया, घात से पॉजिटिव आएगी घात, आप तो कोई पढ़ाया नहीं सर ने तो ये पढ़ाया। तो हमें अपने रूल्स का यूज करना भी सीखना है, हम यहाँ क्लासरूम हो चाहे ऑनलाइन हो चाहे आपका वीडियो हो, तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे चर्चा हो जाती है, उन क्वेश्चनों की चर्चा घर पे भी आप अकेले में करो, अगर आपसे अकेले में भी क्वेश्चन वो बन जाएंगे तो हमेशा बनते रहें। कोशिश ये करो कि जो हमारी पढ़ी हुई चीज़ है वो हम एग्ज़ाम रूम तक कैसे ले जाएं, और सब चीज़ें मत सोचो कि अरे टीचर क्या कर रहा है क्या बता, जिसकी जो चीज़ अच्छी लगे आपको वो पकड़ो और आप इतना प्रयास करो कि वो चीज़ अपने एग्ज़ाम रूम तक आप ले जाओ। सब पढ़ते घर पर रखे रहते हैं, एग्ज़ाम देने जाते भूल जाते हो, तो अपन एग्जाम रूम तक ले जाने के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करें, मैथ में प्रैक्टिस ही जरूरी। चलें आज के नए रूल पढ़ें, ये मैंने आपको पुराना याददाश्त कराने के लिए इसको हमने कर दिया, चलते हैं नए रूल के साथ। तो देखें हेडे बन डाल लें आप फैक्टोरियल के लिए या फैक्टोरियल की रिमाइंडर छोड़ा, जैसे आ गया क्वेश्चन फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 · फैक्टोरियल 50 को मान लो 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में आते। इसकी चर्चा शायद जब हम जीरो निकाल रहे थे या फैक्टोरियल की बातें बताया तब कर रहे थे, अब क्या करें। तो सबसे पहले तो हमें फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ, अब यहाँ वीडियो में फिर से बता देता हूँ आपको कि फैक्टोरियल मतलब होता है क्रमिक गुणा, नंबरों के क्रमिक गुणा को प्रदर्शित करने का तरीका, जैसे पावर उसी का मल्टीप्लाई करने का प्रदर्शन है, ऐसे ही फैक्टोरियल नंबरों का लगातार मल्टीप्लीकेशन है। जैसे अगर ये लिखा हो फैक्टोरियल 5 तो ये होता है 5 4 3 2 1, लिखा हो फैक्टोरियल 6 तो 6 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल n n-1 n-2 कहाँ तक जाएगा 3 × 2 × ठीक है, सही है ना।
तो जो फैक्टोरियल होता है, अगर उस पर किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो फैक्टोरियल में टूट, जो अपने मल्टीपलों में टूट जाता है, तो हमें गौर करना है कि सब प्लस में हैं, है ना, सब प्लस में हैं। तो ये जो 12 है, इसका संपूर्ण मल्टीप्लाई कहाँ मिलने लगेगा? हमें पता है फैक्टोरियल एक की वैल्यू एक होती, फैक्टोरियल दो की वैल्यू दो होती, कैसे दो मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल तीन की वैल्यू 6 हो गई, फैक्टोरियल चार, दिख रहा है फ्रेम में आ रहा है, हाँ, फैक्टोरियल चार की वैल्यू कितनी हो गई, 4 3 2 1 यानी 24। तो अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 की जो संख्याएं होंगी उनको छोड़कर, क्योंकि अगला फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो 24 तो रहेगा, 5 इंटू हो जाएगा। देखो आप, तो अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें हम, तो 5 मल्टी फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं आप, तो फैक्टोरियल के एलिमेंट आते हैं 3, तो 4 में केवल 4 मल्टी हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें यहाँ रिमाइंडर निकालना है तो पहले दूसरे और तीसरे पर डिपेंड होगी, बाकी सबसे करते हैं। तो यहाँ बस यही आपको चेक करना होता है, यही रहता है कि 2-3 स्टेप करते हैं, बाकी में वो करते चला जाता है नंबर। तो आपने देखा यहाँ इसकी वैल्यू 1 होती है, 12 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, इसकी वैल्यू 2 होती है, 12 में 2 का भाग लगाएंगे, उल्टा बोलते 2 में 12 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, 6 में 12 का भाग लगाएंगे तो 6 ही बचेगा, ऐसा तो नहीं 6/12 नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी हो तो ऐसा नहीं काट देना, 1/2 है ना, काट भी दो तो बाद में रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर एक बचेगा तो जिससे काटा उससे गुणा कर दिया जाता है। सेकंड वीडियो जरूर देखना, सुबह सेकंड नहीं, रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड, सुबह का सेकंड देखा उसमें कुछ बात ही रिमाइंडर की, ऐसा नहीं, रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड वीडियो में मैंने रूल बताए हैं आपको, सेकंड या थर्ड में, रिमाइंडर थ्योरम के लगभग 20-21 ऐसा कुछ होगा, तो प्लीज़ उनको देखो, उनको देखते हुए यहाँ आओ कोई परेशानी नहीं जाएगी, उनको बिना देखे यहाँ आओगे तो परेशानी जाएगी आप। तो क्या हो गया, 1 2 6, बाकी में तो ये कट जाना है, 0 बचना है, आगे सब जगह 0 बचना है, तो कुल कितना हो जाएगा, प्लस में प्लस कर देते हैं तो 6 और 2 8 और 1 9, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 9 अपना आंसर हो जाएगा। एक और देख लो, ये क्वेश्चन था फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 को डिवाइड करना है, मान लो 8 से, ठीक है, 8 से डिवाइड करना, तो रिमाइंडर क्या, तो रिमाइंडर का, अब आपने कहा कि हमें फैक्टोरियल का पता है, मतलब कि 8 एक में मल्टीपल में नहीं मिलता, यानी इसका सॉल्व करोगे तो संख्या 8 से छोटी मिलेगी, इसको सॉल्व करोगे तो 8 छोटी मिलेगी, इससे सॉल्व करोगे तो 8 छोटी मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी 24, यानी यहाँ 8 इसे पूरा पूरा काट पाएगा। तो जब तक पूरा पूरा नहीं काट पा रहा था तब तक वही रिमाइंडर बचाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 8 से भाग करोगे रिमाइंडर 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 8 से भाग करोगे रिमाइंडर 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, 8 से भाग करोगे रिमाइंडर 6, सेम क्वेश्चन हो गया, कैसे सेम रहो, ठीक है। तो आपने कहा बाकी यहाँ 8 3 24, फिर ये सब कट जाएंगे, 24 के मल्टीपल मिलेंगे, तो आपने कहा इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 9, तो बच नहीं सकता, संख्या छोटा बचता है, 6 2 8 और 1 9, तो फिर अगर बड़ा आ जाए तो फिर भाग लगा दिया आपने, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 1 8 कितना चाहिए रिमाइंडर, 1। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं, कैसे दिमाग खर्च करते हैं, ये देखो, ठीक है, ये फिर से वही चीज़, ये रूल बनाया करो, आप जो ये सवाल लगवा दिए नहीं, ये रूल हैं, अगर फैक्टोरियल कोई क्वेश्चन देखे इस टाइप का तो इस रूल को फॉलो करना, ये आपको पता होगा तो वो क्वेश्चन बनेगा,
ठीक है ना, प्रैक्टिस भी करेंगे अपन, चिंता नहीं करो। उसमें मैं खड़ा हो जाऊंगा, बोले हाँ बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर, एक बताइए कहाँ से, इन रूलों से, ये रूल आपको पता होंगे तो आप जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपसे बन पाएंगे, वहाँ भी मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले आपसे खुद कहूँगा लगाइए आप, ठीक है, जैसे क्लास में होता। हाँ, कोई वैकेंसी का टाइम आए ज़रूर, तो अब आपकी वैकेंसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, जब आपके कई सारे वीडियो रह जाए, कई सारे चैप्टर हो जाएंगे, तो आधे तो आप बनते हैं और आधे आप कवर कर लोगे। बस आपको करना क्या है कि जब भी कोई वीडियो आपको पसंद आए या कुछ हो, या आप रेगुलर स्टूडेंट हो, तो ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है, आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, किसी भी टॉपिक को अपन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई होगा तो मैं कह दूंगा नहीं इसको, इसके लिए ये बेस जरूरी है, इसको पढ़ लें फिर अपन स्टार्ट, ठीक है, चले आएंगे। चलो, तो ये बात तो हो गई कि जब चीज़ें किसमें थी, प्लस में। अब अगर इन टू में है या डायरेक्ट है, कैसे लगाएंगे, देखो इसको मैं साफ कर दूँ। फैक्टोरियल 8 को 7 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या हो, ठीक है, या फैक्टोरियल इसको 14 को 13 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या हो। अगर कभी आपके सामने ऐसी पोजीशन आए कि नीचे की संख्या अभाज्य हो यानी प्राइम नंबर, और ऊपर से जस्ट एक कम हो, तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर, ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर एक बचता है। क्यों बचता है वो देखना, क्योंकि ये अभाज्य संख्या होती है, ये अपने आने के तक तो कट जाई होगी। जैसे इसको अगर अपन लिखें, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, ये हो गया 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो इस 7 से 7 तो कट गया आपका, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, नहीं, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर आपको, है ना, इसमें रिमाइंडर कितना बचा, इसमें रिमाइंडर कितना बचा, इसमें रिमाइंडर कितना बचा, इसमें रिमाइंडर कितना बचा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये संख्याएं छोटी होती हैं, और यहाँ पर इससे जैसी गुणा करो मल्टीपल बन जाती, तो यहाँ भी आपका कट जाएगा। तो उसकी पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे बात याद रखते हैं कि अगर नीचे प्राइम नंबर हो और ऊपर का नंबर उससे जस्ट एक बड़ा फैक्टोरियल हो, तो उसका रिमाइंडर हमेशा एक बचता है, रिमाइंडर हमेशा सॉरी माइनस एक बचता है। आप किसी छोटे मान को लेकर गुणा करके भी देख सकते हैं, किसका बचता है माइनस, ठीक है, यानी इसको फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं अपन कि फैक्टोरियल पी माइनस वन अपॉन पी बराबर माइनस एक, यदि P क्या है, यहाँ P प्लस वन होगा, उल्टा लिख दिया मैं, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, इसलिए तो उतना नहीं बता था, यहाँ एक, अगर P प्लस वन होगा तो कट ही जाएगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा आपका। इसको सुधार लें, देखें, यदि P माइनस वन अपॉन पी फॉर्मेट में है और ये लगा है फैक्टोरियल, तो रिमाइंडर कितना आता है, माइनस एक आता है, ठीक है, रिमाइंडर कितना आता है, माइनस एक आता है। वहाँ तो मल्टीप्लाई में कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, बड़ा होगा ना तो कट नहीं गया था पूरा, रिमाइंडर कुछ नहीं बनेगा, माइनस बने, प्लस में तो पूरा पूरा कट गया था, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, माइनस वन है तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, देखें, जैसे लिखा है फैक्टोरियल लिखा था 6/7, तो आप यहाँ कहोगे कि ये प्राइम नंबर है और ये उससे एक छोटा है, फैक्टोरियल में है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, ये क्या बचेगा, रिमाइंडर माइनस एक, लेकिन माइनस नहीं लिख सकते, अपन पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, भाग तो 7 से कर रहे हैं ना, तो 7 में इसको जोड़ देंगे, यानी कितना बचेगा,
और देखो ये फैक्टोरियल 12/13 तो कितना बचेगा, आप कह दोगे -1, -13 में से एक चला गया, कितना बचा फैक्टोरियल 16/17, 17 से भाग दे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप कहोगे -1, -1 मतलब 17-1, तो आप कह सकते हो वो थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि वहाँ पढ़ नहीं गया था, कटने का रूल पता है गुणा करोगे, इसीलिए कई बार सवालों को बेसिक से पता होना चाहिए, गुणा करके देखा यार कट गया था है ना, तो मैंने कट गया फिर भी रूल कैसे होना, तो फिर चेंज कर लिया उसे कि नहीं नहीं गलत हो गया, तो कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए जहाँ पर से अपन रूल देख सकें, ठीक है। तो यहाँ भी मैं लाइव क्लास जैसा पढ़ाता हूँ, अगर कोई गलती हो जाएगी ऐसे नहीं उसको वीडियो में से काट पीट पे के उसको सही कर दूँ, नहीं, क्योंकि गलती वो होगी वो आपसे भी होगी, पढ़ाते समय कुछ चीज़ें भूल भी सकते हैं अपन, याद नहीं आ सकती, तो ये चीज़ें भी कि सर से गलती हो सकती है, सर भूल सकते, तो हम भी इसको और कितनी बार पढ़ें, ठीक है। बाकी मुझसे तो कहीं अच्छा दिमाग है, हम लोगों के अपडेट वर्जन हो आप, तो ये रूल पता चल गया आपको, अगर कभी किसी संख्या में किसी प्राइम फैक्टोरियल नंबर की संख्या में उससे एक बड़े प्राइम नंबर से भाग होता है तो -1 बचता है, चाहे आप गुणा करके देख सकते हो, और उससे बड़े का होगा तो पूरा पूरा कट जाता है, कोई रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा, तो एक रूल आपको ये लिख लेना, ये आपके काम में आएगा। अगला देख, अब जैसे आपके दिमाग सर प्राइम नंबर नहीं लिखा हो, नीचे कुछ और लिखा, तब तो अगर जैसे फैक्टोरियल लिखा था, मान लो 15, 16 से भाग, 16 क्या है डिवाइड नंबर है, कंपोजिट कट जाता है, तो अगर पैटर्न ये हो कि पी की जगह पे अपन के नंबर एन -1 अपॉन एन ऊपर वाला फैक्टोरियल, तो रिमाइंडर क्या हो, ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है, क्यों, क्योंकि इसके कंपोनेंट मिल तो मिल जाते हैं लेकिन इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। अगर कभी हमारे पास ऐसा फैक्टोरियल हो जो नीचे की जिससे भाग किया जा रहा है उससे एक कम हो, और भाग करने वाली संख्या प्राइम हो तो -1, और भाग करने वाली संख्या प्राइम ना हो, कटने कंपोजिट नंबर हो, तो रिमाइंडर कितना होता है, 0, क्योंकि उसके कंपोनेंट पहले मिल गए होंगे वो काट देते हैं, क्योंकि क्रमिक गुणा होता है वो। बस इतना याद रखना है कि जो n का मान होगा वो हमेशा बड़ा होना चाहिए 4 से, 4 और उससे छोटे मानों के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, और 4 या उससे छोटे मानों के तो अपन सॉल्व नहीं कर लेंगे, फैक्टोरियल 4 का मान याद नहीं है अपन, फैक्टोरियल 3 का मान याद नहीं है, फैक्टोरियल 2 का मान याद नहीं है। तो रूल क्या है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो फैक्टोरियल में लिखा है उससे एक ज़्यादा बड़े नंबर से, अब ज़्यादा बड़ा नंबर क्या होगा, दो टाइप के होंगे, या तो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा, मतलब भाज्य होगा या अभाज्य होगा, भाज्य हो तो रिमाइंडर 0, और अगर अभाज्य हो तो रिमाइंडर -1, या वही का वही रिमाइंडर बचता है, ऐसा भी बोल सकते हो आपके वही की वही रिमाइंडर बच जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देखो इसका, जैसे जहाँ लिखा होता फैक्टोरियल मान लो 21 को हम भाग करें 22 से, और कोई पूछे रिमाइंडर क्या आएगा, तो कह देंगे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0, भाई के कंपोनेंट मिल गए होंगे भी बीच में 11-2 मिल गए होंगे कि नहीं, आपको पता है 21 में 11-2 मिल गए होंगे कि नहीं, पूरा पूरा कट गया तो कुछ नहीं, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0, तो वहाँ भी रिमाइंडर क्या हो, 0। कोई और क्वेश्चन आ गया, मान लो 25 फैक्टोरियल 26 से भाग कर दिया और रिमाइंडर पूछा कितना आ जाएगा, 0, डायरेक्ट आप बता पाओगे, डायरेक्ट आप बता। अब होता क्या है कि जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आगे पीछे हो जाए थोड़ा मोड़ा, तो उसने आगे कर दिया पीछे कर, 2 का डिफरेंस कर दिया, 3 का डिफरेंस कर दिया, तो ये प्रैक्टिस में अपन करेंगे, और प्रैक्टिस में आप जब करेंगे तब आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे बोले कुछ नया तो मिला ही नहीं, नया मिलेगा आपको, नए नए क्वेश्चन जुड़ जाएंगे, है ना। जैसे एक आदमी बता देता हूँ कि मान लो ऐसा लिख दिया फैक्टोरियल 80-8 भाग कर दिया उसने मान लो 79,
अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया? इसको क्या अपन ऐसे बोल सकते हो कि ये माइनस, तो ये प्राइम नंबर वाला बन गया। इसको यही गलती हो जाती है हर बार, इसको 78 लिख देगा, फिर तो कट ही जाएगा ना, एक बड़ा लिख देंगे उसको पहले, मुझे कट जाएगा वो, लगा सकते हो उसको भी कट जाएगा, वहाँ जीरो बचेगा, यहाँ 8 - 8 घटा देंगे। तो अगर हम यहाँ कहें तो बोले ये बन गया कौन सा पहले वाला, कि कोई प्राइम नंबर का भाग दिया जा रहा है, उससे एक कम लिखा है, तो रिमाइंडर माइनस एक बचता है, तो यहाँ बचना माइनस एक और यहाँ बचना है 8 का 8, तो माइनस में घट जाएगा आपका, तो माइनस एक माइनस 8 घट गया, जुड़ गया, कितना हो गया 9, 79 से भाग कर रहे हैं तो माइनस का 9 बनेगा, वो माइनस का 9 बनेगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा आंसर। आप देखो माइनस में प्रॉब्लम है तो प्लस लगा दे रहा हूँ मैं, 8 और 1 9 ही आंसर हो जाएगा, प्लस होता तो 8 और 1 9, माइनस है तो माइनस में हो सकता है, माइनस को क्या कर दे संख्या से घटा दे, ठीक है। अगर कंटिन्यू वीडियो देखते आए हो आप तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन इसी से जन्मे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि रूल वही है, उन्हीं का उपयोग करके अपन लगा सकते हैं। और देखो और आपको बात याद रखना है 6 का रूल, इस पर भी ये जो 6 है ये कुछ नंबरों के साथ, जैसे अपने वहाँ पढ़ा था इकाई के अंक में कि ये अपनी पुनरावृत्ति करता है, ऐसे कुछ अंकों के साथ ये अपनी रिपीटेशन को बरकरार रखता है। 6 जो है कुछ नंबरों के साथ अपने रिपीटेशन को क्या करता है, बरकरार रखता है, इसलिए 6 के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या जानकारी होना, देखें आप, देखो कि अगर कभी किसी भी 4 या 4 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो और इनमें 6 का भाग किया जाए, इसको मैं दोबारा लग गया सॉरी गलती से, तो हमेशा रिमाइंडर देखिएगा, तो हमेशा रिमाइंडर ऐसी कंडीशन में 4 बचता है। कैसे, देखो 4 की पावर 1 में 16 का 6 का भाग करेंगे, भाग नहीं जा रहा, 4 बचेगा, ऐसे नहीं काट देना 2 से काट दिया तो भाग फिर 3 का 2 का देना होगा, 6 का नहीं हुआ, है ना, या 4 की पावर 2 यानी 16 में देंगे 6 का भाग, तो 6 × 12 कितना बचा रिमाइंडर 4, मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ यहाँ, अगर 4 की पावर 3 होता और 6 का भाग दो तो कितना हो गया 64, 6 × 60 कितना चले मान। तो ये रूल आपको याद रखना है कि 4 पे कितनी भी पावर लगी हो और अगर हम 6 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आ गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि 4 की पावर 138 भागे 6 रिमाइंडर बताएं, अब नहीं बन पा रहा है, अभी आए कुछ लपड़ा हो रहा है, सर ने क्या बताया, इनका एक कमी छोटा हो जा रहा है, बाय नई नंबर हो जाने का से मार्क में आ रहा, कुछ नहीं, ये रूल पता है, बोले रिमाइंडर कितना होगा 4 आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो तो पहला रूल लिख लो आप इसको या स्क्रीन शॉट ले सकते हो कि 4 की पावर कुछ भी लगी हो उसमें 6 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचता है उसका, 4 ही बचता है, 6 के रूल के अंदर लिख रहे हैं। पर दूसरा देखें, दूसरा होता है यही 10 की पावर के लिए कि 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 3 हो, डॉट 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 10 की पावर n, और अगर इसे 6 से भाग किया जाए तो भी हर कंडीशन में रिमाइंडर 4 बचता है। कैसे, आपको पता 10 से भाग लगा के देखो आप 6 का, तो 6 × 6 कितना बचा रिमाइंडर 4, रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं 10 की पावर 2 कितना हो जाता 100, 100 में करते आप 6 से भाग तो 6 × 36 बचा 4, 6 × 36 कितना बचा 4, ये 1000 में करते, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा आज की सवाल कभी कि 10 की पावर 1258 में 6 का भाग रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या लगा दो 4 लगा, है ना। अब हमारे पास कितने मटेरियल हो गया,
और देखो, तो लिख लो पहले आप, स्क्रीनशॉट लिख लो। और 6 का 2 के साथ, कि 2 की पावर, अब 2 के साथ आपको याद रखना है 2 की पावर सम, सम है कि 2 की पावर यानी घात ऑड, ये याद रखना। अगर 2 की पावर सम है, इसको ऐसा लिख दें, अगर 2 की पावर इवन, तो हमेशा रिमाइंडर बचेगा 4, और 2 की पावर ऑड है तो रिमाइंडर बचेगा 2। ये रिमाइंडर लिख रहा हूं कैसे, देखो, तो 2 की पावर 1 ही लगा दो और 6 से भाग करो, भाग नहीं जा, कितना बचेगा, 2 बचेगा रिमाइंडर। 2 की पावर 3 है और 6 से भाग करो, तो 8 में 6 का भाग लगाओगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, 6 कम 6, 2 बचेगा रिमाइंडर। केवल रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं केवल रिमाइंडर लिख रहा हूँ। 2 की पावर 3 है, के बाद 5 लगा दो 6 से भाग, तो 32 होता, 32 6 से भाग करो, रिमाइंडर कितना बचता है, लेकिन 2 की पावर 2 लगाते और फिर 6 से भाग करते, 4 में 6 का भाग करो, पढ़ चुके, 4 आता है। 2 की पावर 4 है, उसमें 6 से भाग करो, तो 16 में 6 से भाग करोगे, 6 दूनी 12, ही पढ़ चुके आप, रिमाइंडर कितना बचता है, 4। फिर से वही चीज़, रिमाइंडर लिख रहा हूँ, 2 की पावर मान लो 6 लगा देते, 64 होता है, 6 से भाग करो, पढ़ चुके अपन, 4 आ। तो ये 6 का रूल आपको याद रखना है कि 6 का डिवाइड कर रहे हैं और नंबर जो जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उस पर कोई पावर लगी है। अब 2 के लिए तो ऑड इवन याद रखना पड़ेगा, केजरीवाल केजरीवाल जी ने चलाया था ना, ऑड इवन आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी 4 और 10 के लिए कितना बचता रिमाइंडर, 4 बचता, अगर 6 से भाग दिया। अब आपके पास ये रूल भी होगी, हो गया ना, ठीक है। एक और रिपीटेशन का रूल पढ़ लो और फिर लगभग आप फिर कोई भी सवाल लगा सकोगे, बस सवाल बना होगा वो मिक्स कर देगा, तो 2 सवाल मिक्स कर दिए बता दीजिए। जैसे मान लो किसी में 10 की पावर 8 81 प्लस 24 को 6 से भाग कर रिमाइंडर कितना बचे, तो अब आपने कहा ये तो 6 से पूरा कट रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 प्लस में है, जुड़ता है, तो यहाँ पर 10 में करेंगे 4, तो 4 यहाँ बचेगा 4, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपको ये सवाल सर नहीं बताया था, इसी चीज़ को इनटू में लिख देगा, इसी चीज़ को डिवाइड में लिख देगा, इसी चीज़ को माइनस में लिख देगा। अब जोड़ना घटाना गुणा भाग क्या मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब हो ही जाता है कि ये मैटर आपको दिख रहा होगा कि ये मैटर अगर अपन इकट्ठा पढ़ें तो कम से कम 3 घंटे का है, और 3 घंटे फोकस नहीं कर, इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे वीडियो बना दिए। लेकिन जब ये रूल आप पढ़ लोगे, आप कह दोगे हाँ सर अब हमने रूल बन गए हमसे ये सब, और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो ऐसे क्वेश्चनों को जब मैं इंक्लूड कर दूंगा दो दो प्रकार के, किसी टेस्ट का क्वेश्चन कहीं का, तो आपको बोले घात पे घात पे घात पे घात पे घात लगा दिया, और बस, तो आप कहोगे अरे सर ये तो वही तो है, घात पे घात लगी तो घाते तो अलग एडजस्ट हो जाएंगे, पहले वैल्यू तो एडजस्ट कर लें हम, और वैल्यू अगर 1 आ रही है, ये 6 आ रही है, ये 10 आ रही है, तो फिर वो रिपीट ही होते हैं रिमाइंडर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा लिख दिया उसने, और कैसा लिख दिया मान लो कि 10 की पावर 10 को 6 से भाग कर। अब आपने कहा ये तो सर ने पढ़ा ही नहीं, 10 पे कोई भी घात लगी हो 6 से भाग करो रिमाइंडर कितना बचता है, 4। या इसको यहाँ 101 लिख दिया, 101। अब ये होगा कि हाँ यार ये, और यार ये कैसे, रूल यही हैं, इन्हीं से आप सब लगा पाओगे, लेकिन ये रूल आपको याद करना पड़ेंगे। तो हमेशा पढ़ाई में याद रखें, पहले क्या याद करके हम कहाँ पहुँच सकते हैं। गूगल मैप में आपको जो नक्शा दिखता है वो उसको फॉलो करके जाना पड़ता है, वही नहीं होता कि यही, वो एक नक्शा होता है, ये नक्शा है एक आपका। तो देखें रिपीटेशन रूल देखें, फिर अपन इसको स्टॉप करते हैं। फिर अगर आप कहोगे तो बाइनरी नंबर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में चर्चा कर लेंगे। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, किसी की चर्चा कर सकते हैं। बहुत से बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, बोले सर ने किताबों में नंबर सिस्टम में डेसिमल ही मिल जाता है,
फ्रैक्शनी मिल जाता, दशमलव भिन्न ये सब, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न में बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नीचे के स्तर से आपको पढ़ाऊंगा, उसको अलग टॉपिक करके पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो चले देखें एक रूल कि यदि कोई भी नंबर, कोई नंबर, नंबर मतलब संख्या, एक ही डिजिट से मिलकर बनी हो, डिवाइडेड रूल बताया मैंने एक डिजिट वाले किस किस से कट जाते, तो अगर कोई नंबर एक डिजिट से बनी हो वो नंबर कैसा हो, प्राइम हो, जैसे तीन 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 तीन, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, छः लिख दें, एक दो तीन चार पाँच छः, उसको उससे एक छोटी प्राइम संख्या से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर, उससे एक बड़ी प्राइम संख्या से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा जीरो बचता है। पढ़ा चुके ना, छः बार लिखा हो कोई नंबर सात से कट जाता, कहीं कट जाता, तो ये इसलिए कट जाता क्योंकि उनका फंक्शन होता है। अगर कोई संख्या अपने किसी प्राइम नंबर से मिलकर बनी हो लगातार और उससे एक किसी क्वांटिटी उससे एक ज़्यादा प्राइम नंबर से भाग दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा जीरो बचता है। जैसे मान लो, जैसे लिखा हो नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए उसके कंटिन्यू, जैसे मान लो कोई नंबर ले लें पर सात लें, सात 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 डॉट डॉट डॉट, ये लिखा हो कितनी बार, 30 बार लिखा और हम भाग कर रहे हैं 31, रिपीटेड जितना नीचे डिवाइड हो रहा है जिस प्राइम नंबर से उससे एक छोटे बार नंबर के रिपीटेशन हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, आपका शून्य बचेगा, शेषफल हमेशा जीरो बचेगा। यह मान लो मैं लिख दिया नौ 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 डॉट 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 100 बार और भाग दे दिया 101 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, एक से किसी कटती है क्या, तो रिमाइंडर क्या होगा, कहते हैं रिमाइंडर सर जीरो हो जाएगा। एक रूल अपन को ये याद है, ठीक है। अब मैं नंबर ऊपर का कंपोजिट भी हो सकता है क्योंकि जीरो से लेकर नौ तक नंबर ही हो सकते हैं, तो जीरो का बन की संख्या बनेगी नहीं आपकी, एक से एक दो दो तीन तीन, बस रिपीटेशन देखना कि जिससे नीचे भाग और उससे एक कम बार रिपीटेशन है तो आपकी वो संख्या उससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आई। अब रूल ये है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया क्या, बोले तीन 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 डॉट 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 14 बार और भाग किया सात से, बोले ये नहीं बताया था आपने, बताया था कि जितनी बार ऊपर संख्या एक ही नंबर से मिलकर बनी हो और उससे एक ज़्यादा के प्राइम नंबर से भाग दिया गया हो तो सवाल लगा सकते हैं, रिमाइंडर जीरो लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब ये सात से भाग गया लेकिन ये लिखा 14 बार, ये आपने बताया नहीं था, तो रूल यही रहेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्ट वो कर लेगा। तो आपको तो पता है कि हर 6 बार लिखने पर 7 से कट जाएगा क्योंकि उससे एक कम बार लिखने पर कट जाता है, इतना प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं उससे एक कम बार लिखने पर कट जाता है। मैं बारह बोल रहा हूँ कि अगर कोई संख्या किसी एक ही नंबर से मिलकर बनी हुई है, अगर कोई संख्या किसी एक ही नंबर से मिलकर बनी हुई है और उसका रिपीटेशन जिस प्राइम नंबर से भाग दिया जा रहा उससे एक ज़्यादा एक कम बार हो तो ऐसी कंडीशन में भाग देने पर शेषफल जीरो बचता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ गया आपका कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा बार, तो रूल आपको यही याद रखना पड़ेगा कि अगर सात से भाग कर रहे हैं तो एक ही अंक के 6 बार रिपीट होने पर रिमाइंडर जीरो बचेगा। तो जब हम संख्याएं लिख रहे थे यहाँ 14 बार तीन, तो 6 बार मैं काट देगा वो, तो 6
बार कटेगा, 6 बार कटेगा, 6 बार कटेगा, हर 6 बार में कट जाएगा आपका। तो यहाँ 14 में 6 बार, 6 बार के दो पर दो एक्स्ट्रा बचे रहेंगे, मतलब 2 बार 3 बचा रहेगा जो कटेगा नहीं, पहले 6 वाला कट जाएगा फिर 6 वाला कट जाएगा, तो अपन बस उस 2 बार 3 में 7 से भाग देंगे। मतलब जो एक्स्ट्रा बचता है, जैसे मान लो यहाँ मैं लिख देता 12 बार, तो 6 बार वाला कट जाता पहले 7 से, अगला 6 बार वाला कट जाता, तो रिमाइंडर कितना बचता? 0, हर 6 बार में, सॉरी 0। लेकिन यहाँ लिख दिया था 14 बार, तो हर 6 बार तो कट जाएगा, क्योंकि जिससे एक ही नंबर से कोई संख्या बनी हो और उतनी बार लिखो जितने प्राइम नंबर से भाग दे रहा उससे कम हो, तो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाती है, कट जाती है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो अगर हमारे पास उसके जो नीचे संख्या ली उससे ज़्यादा बार लिखी हुई है, तो आपको देखना कितनी ज़्यादा बार लिखी है, उसी के गुना में लिखी हुई है, तो कोई टेंशन नहीं। 6 के हर मल्टीपल, 7 के लिए 6 के हर मल्टीपल में कट जाएगा, 31 के लिए 30 के हर मल्टीपल में कट जाएगा, और कोई और संख्या लेते मतलब 13 से भाग कर दे किसी को और, तो 12 के हर मल्टीपल में कट जाता। लेकिन अगर एक दो एक्स्ट्रा, जैसे मान लो यही एक ही एक्स्ट्रा हो तो 3 और 7 का भाग दे देते, 14 अगर 13 वाला लिखा हो तो 3 अकेले बचता, 1 3 जो भाग नहीं देने में दिक्कत कर रहा है, 3 में 7 का भाग दे दे, 14 है, सॉरी 2 बार 3 बच रहा है, तो 7 से भाग कर ले 33 को। ये बात थोड़ी सी अभी क्लियर नहीं है, एक और एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि अगर कोई संख्या जैसे 5 5 5 5 ……… ये लिखी है अपनी, कोई प्राइम नंबर ले लें अपन 18 बार, और उसे भाग करते हैं 19 से, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? तो रिमाइंडर बचना चाहिए 0, बचना चाहिए, ये रूल होता है। अब अगर यहाँ पर 5 5 5 19 बार लिखे होते, तो आप कह रहे रूल के हिसाब से 18 बार में हम कहते पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन 19 बार लिखा है, तो आप जब काटना शुरू करते हो नंबरों को, तो हम काटना यहाँ से शुरू करते हैं, रिमाइंडर बचता है लास्ट में, है ना, यही होता कि नहीं, जोड़ना घटाना यहाँ शुरू करते हैं, गुणा यहाँ से, लेकिन काटना शुरू करते हैं जब, तो यहाँ से, तो यहाँ जब 19 का भाग देना शुरू किया होगा तो 18 बार में पूरा पूरा कट गया होगा, इसलिए रिमाइंडर नहीं बचा, 1 5 एक्स्ट्रा बच गया होगा। तो आपको फिर यही देखना है कि इसमें कितने एक्स्ट्रा वैल्यू हैं, जैसे अगर 19 बार है तो 18 बार वाला कट गया होगा, 1 5 बचा, इस 5 में फिर 19 का भाग देने नहीं जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5। अगर यहाँ पर लिखा होता क्वेश्चन 5 5 5 5 ……… 20 बार, और फिर 19 से भाग कर, तो आप कहते कि 18 बार तो कट जाएगा रूल के हिसाब से, रिमाइंडर 0, 2 बच रहे हैं, तो 55 में दे देते 19 से भाग, 2 5 55 कहलाएंगे ना, 4 का रूल 2 अंक में भाग के, तो 5 का रूल नहीं है, 19 का रूल ना बना लेना, तो जो नंबर नहीं कट रहा उन्हें पकड़ लिया अपन ने, कि तुम दोनों नाटक कर रहे, नहीं कट रहे, बता रहे तुम्हें कट रहा है, तो अब पहली बार कैसे कट गए, तो 1958 ज़्यादा हो जाता है, 57 मतलब 3 − 2, 19 में से 2 घटा देते 17, देख लिया कैलकुलेशन, ये सब बता चुके हैं हम क्या होता है माइनस नेगेटिव, कुछ का कुछ दिख जाए। लेकिन अगर यही लिखा होता 5 5 5 5 ……… 36 बार और भाग करते 19 से, तो हमें पता है कि जिस प्राइम नंबर से भाग किया उससे एक कम बार काउंटिंग में नंबर पूरा पूरा कट जाता है, तो 18 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और ये लिखा 36 बार, तो 18 बार 18 × 36 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये बताने की कोशिश कर रहा था। अब आपके पास कितने सारे रूल हो गए, मुझे भी भूल गया कितने सारे रूल हो गए, आप उसको रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, इनकी सहायता से इन पर डिपेंडेंट सवाल लगाइए।
और कमेंट्स कीजिए कि नंबर सिस्टम, एक दो और टॉपिक रह गए हैं, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। जल्दी से जल्दी हमें आपकी रीजनिंग भी स्टार्ट करना है। आपका ढेर सारा प्यार बढ़ रहा है, ये वीडियो लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइबर भी बढ़ाएँ, खूब व्यू बढ़ाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी से अच्छी जानकारी रखें। इससे होगा क्या कि हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर ही बदलेगा। जब आपको पता चलेगा कि यार ये सब निजूल होते हैं, तो जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं वो भी देखते कर यार ये टीचर ये भी पढ़ा रहा है, तो अब हमें भी पढ़ाना पड़ेगा। तो माहौल सब जगह बदलेगा, आप केवल आप और हम नहीं सीखेंगे, जो हमारे आस पास से पढ़ाने पढ़ने वाले वो भी सीखेंगे, तो उनका भी विकास होगा। तो सबके सोचना है ना, ऐसा नहीं बोले यार अच्छी बातें मिल रही हैं, किसी को नहीं बताएंगे, नहीं उसको भी मिल जाए, पता चल जाता है। सबके पास जानकारी है, ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाएंगे सबके पास ये, क्योंकि अगर वो सिलेबस के साथ से पढ़ाएगा तो उसको पता होगा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वीडियो को बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं, तो इसलिए उनका काम नहीं बनता है ना। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्यार बनाए रहें। जितना ज़्यादा आप लोग कनेक्ट रहोगे, जुड़ोगे, देखोगे वीडियो को, लाइक शेयर करोगे, उतना ज़्यादा हमें दिखेगा सामने, और हमारा वो मोटिवेशन बनेगा, और हम और अच्छी अच्छी चीज़ें, ऐसी चीज़ें कि आपको 50 किताबों को पढ़ के आपको दे दी जाए, कि आपको 50 किताबें नहीं पढ़ना पड़े, आपको तो अपने एक नोट्स से सब मिल जाए, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, घर पर रखें और लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।